हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी लर्न्ड अबाउट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चेंजेस इन स्टोरेज स्ट्रक्चर ड्यूरिंग विंटर एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ड्यूरिंग समर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चेंजेस इन स्टोरेज स्ट्रक्चर ड्यूरिंग summer. The same phenomena works here. Difference sirf season ka hai. Wahan pe winter season mein atmosphere ka temperature bahut hi down chala jata hai aur yahan summer season mein atmosphere ka temperature bahut hi rise hota hai. Comparison to inner temperature of the grain bin or grain storage structure. तो आपके सामने जो figure है diagram, यह है losses of grains due to temperature change in storage. एटमॉस्फेयर को हम नंबर वन दे देते हैं, नंबर थ्री आउटर ग्रेन, नंबर टू इनर ग्रेन स्टोरेज. तो अब हम बात करते हैं, ड्यूरिंग समर सीजन व्हेन एटमॉस्फेयर इज गोज टू हाई एनफ. When such grain is stored after some time, the temperature of grain, temperature of air, air का जो temperature है वो क्या हो जाता है, in the grain along the surface rise. जब यहाँ का temperature बढ़ता है तो इसके surface of wall का जो along of the grain temperature है वो क्या हो जाता है, राइज होने लग जाता है. दैट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन स्प्रिंग एंड लेटर ऑन राइज. एज अ रिजल्ट एयर करंट मूव्स डाउन थ्रू द सेंटर ऑफ द बिन. तो एयर की करंट जो क्या होती है, बिन के सेंटर में, ये मूव्स डाउन एंड इट इज अपोजिट, मूव्स अपवर्ड नियर द ग्रेन बिन वॉल. तो क्या होता है, ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर के हाफ में एक एयर करंट प्रोड्यूस होती है एंड सेकेंड हाफ में सेम अपोजिट डायरेक्शन में एयर करंट प्रोड्यूस होती है, जो कि इस तरह से मूव करते हैं, ये एंड दिस, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एट दिस एज अ रिजल्ट एयर करंट मूव्स डाउन थ्रू द सेंटर ऑफ द विन टू इट्स बॉटम. ये नीचे की ओर आ रही है बॉटम. एट दिस स्पॉट मॉइस्चर कंडेंस्ड ऑन द कोल्ड स्पॉट. और क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, क्योंकि पूरा एयर का करंट इसके सेंटर से नीचे की ओर आ रहा है और यह ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ का एयर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर कम है. तो जो लोअर टेम्परेचर की जो एयर होती है उसकी टेंडेंसी होती है, इट गोज़ टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये नीचे की ओर आएगी और ये अपने साथ क्या लेके आती है, ये हॉट एयर. यहाँ से हॉट एयर क्या होता है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है. जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो इसके अंदर, हॉट एयर के अंदर, अपने अंदर और मॉइस्चर को अटेन करने की या और मॉइस्चर गेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये वाली जो एयर है ग्रेन
के से पास होती है तो ग्रेन का मॉइस्चर बहुत जल्दी अपने पिकअप कर लेती है, ग्रेन का मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देती है और अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है। और जैसे ही उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है और जब ये नीचे की ओर आती है तो यहाँ पे मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन हो जाता है और यहाँ पे मॉइस्चर लीव कर देती है बॉटम पे, ग्रेन बिन के बॉटम पे। तो यहाँ मॉइस्चर इस तरह से क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। एट दिस स्पॉट मॉइस्चर कंडेंस ऑन द कोल्ड स्पॉट, द एयर देन मूव्स टू द वॉल्स एंड ड्यू टू हायर टेम्परेचर गोज अपवर्ड। ड्यू टू मॉइस्चर एक्यूमुलेशन एट द बॉटम ऑफ द बिन स्पॉयलेज ऑफ ग्रेन टेक्स प्लेस। कहाँ पे, यहाँ पे स्पॉयलेज होना चालू हो जाता है। नंबर जो हमने दिया है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। यह है नंबर वन, आउटर वार्म टेम्परेचर। नंबर टू है कूल ग्रेन। नंबर टू क्या है, इनसाइड वाला जो ग्रेन है वो कूल रहेगा कंपैरिजन टू आउटसाइड ग्रेन विच इज़ कॉन्टैक्ट टू द वॉल, ये कूल ग्रेन। थर्ड वाला क्या है, वार्म ग्रेन। एंड फोर्थ है स्पॉट ऑफ मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, स्पॉट ऑफ मॉइस्चर एक्यूमुलेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।